मुख्यमंत्री फडणवीस ने शुरू किया काम, कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी ने राजभवन में दी बहुमत की चिट्ठी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को कांग्रेसी की जगह लिखा पब्लिक सर्वेंट, कांग्रेस की सियासत गरमाई। मध्य प्रदेश फिर हुआ शर्मसार, दुष्कर्म के बाद 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या। झाबुआ के किसानों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान से कहा टमाटर चाहिए तो पीओके वापस दो। और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, बीजेपी में शोक की लहर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने सरकार बनाने के लिए बहुमत की चिट्ठी राजभवन में दी है और अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई मुंबई और दिल्ली में लड़ी जा रही है। दिल्ली में जहां केस सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, वहीं मुंबई में बैठकर प्रदेश के दिग्गज नेता सियासी गणित बैठा रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अपने विधायकों को टूटने से बचा रहे हैं और भाजपा और उसका साथ देने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का दावा है कि वे बहुमत हासिल कर लेंगे। इस बीच खबर सामने आई है कि एनसीपी के 2 विधायक गुड़गांव से मुंबई वापस आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर काम शुरू कर चुके हैं। वे आज सुबह मंत्रालय पहुंचे, यहां उन्होंने अपना नया कार्यालय भी शुरू कर दिया और पहले काम के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष के एक चेक पर हस्ताक्षर भी किए। इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दिल्ली से मुंबई पहुंचे। मुंबई में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन पहुंचकर वहां के अधिकारियों को अपने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। इस बीच अजीत पवार मंत्रालय पहुंचे और काम का शुरू किया। एनसीपी ने दावा किया है कि अजीत पवार और एक अन्य विधायक को छोड़कर शेष सभी शरद पवार के साथ हैं। इसके बाद पार्टी ने अजीत पवार को मनाने की और कोशिश की। एनसीपी में नंबर 2 के नेता छगन भुजवल ने अजीत पवार से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। शिवसेना हमेशा की तरह भाजपा पर हमलावर है। अब उसने सामना में लिखा है कि भाजपा का बहुमत साबित करना भैंसे का दूध निकालने जैसा है। पार्टी मुखपत्र में अजीत पवार को भैंसे की उपमा दी गई है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के बहुमत की झलक तो विधानसभा स्पीकर के चुनाव के समय मिल जाएगी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें कथित तौर पर 30 नवंबर तक बहुमत साबित करने को कहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बहुमत साबित करने को कहता है तो तत्काल सदन बुलाया जाएगा और विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को कांग्रेस नेता लिखने के बजाय पब्लिक सर्वेंट लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर हैंडल पर अपना स्टेटस बदल दिया है। उन्होंने पूर्व के सरकारी पदों और कांग्रेस का जिक्र हटाकर खुद को समाजसेवी और क्रिकेट प्रेमी बताया है। ज्योतिरादित्य के ऐसा करने से कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। लंबे अरसे से कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ असहज नजर आ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और धारा 370 जैसे मसले पर उनका रुख कांग्रेस से अलहदा नजर आया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अपने स्टेटस में किए गए बदलाव से नेताओं के बीच इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था। वे लगातार मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी की कमलनाथ सरकार पर सवाल भी उठाते रहे। पिछले दिनों उन्हें मध्य प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं जनता का सेवक हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे पहले अपने ट्विटर स्टेटस पर पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री लिखा था, लेकिन अब वहां समाजसेवी और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की टीम में शामिल सबसे अहम सदस्यों में से एक थे, लेकिन वे खुद ही अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के दौरान चंबल इलाके में आई बाढ़ के बाद वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिले और प्रदेश सरकार से उन्हें जल्द राहत देने की बात कही, जो राहत आज तक नहीं मिल पाई। कमलनाथ सरकार में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री लगातार उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाते रहे हैं। निश्चित रूप से आप अगर माननीय सिंधिया जी को सुने तो हमेशा उन्होंने ये कभी नहीं कहा
कि मैं नेता हूँ, उन्होंने यही कहा है कि मैं जन सेवा में हूँ। और मेरे फादर ने जब मुझे ये सौंपा था तो उन्होंने यही कहा था कि नेता की तरह नहीं बल्कि एक जन सेवक के रूप में जनता की सेवा करनी है। और उन्होंने अगर ट्विटर हैंडल बदला है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चर्चाओं में गर्मी क्यों आई। कोई भी राजनेता, राजनीतिक व्यक्ति, प्रथम उसका पद है पब्लिक सर्वेंट। यदि सिंधिया जी ने अब पब्लिक सर्वेंट अपना ट्विटर हैंडल किया है तो उनको मैं बधाई देता हूँ और स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने छोटे भाई योगेश जोशी के साथ मुखाग्नि दी। भोपाल से पार्थिव देह जैसे ही हाट पिपरिया पहुंची, अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान रास्ते भर लोग पार्थिव देह पर फूल बरसाते रहे, लोगों की आंखें नम रहीं। कैलाश जोशी की पहचान राजनीतिक संत के रूप में थी। मध्य प्रदेश में 3 दिन और छत्तीसगढ़ में 1 दिन का राजकीय शोक रखा। सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं ने पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। राजनीति संत के रूप में पहचान वाले जोशी की पार्थिव देह राजधानी स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई। यहां से करीब 10:30 बजे परिजन और भाजपा कार्यकर्ता पार्थिव देह लेकर हाट पिपरिया रवाना हुए। जोशी का 91 की उम्र में रविवार को निधन हो गया था। भाजपा कार्यालय में लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उन्हें अंतिम विदाई देने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, संगठन महामंत्री सुहास भगत, नरोत्तम मिश्रा सहित कई नेता बड़ी संख्या में पहुंचे। भाजपा कार्यालय में जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित करने दूर दूर से भाजपा कार्यकर्ता आए। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी भी पहुंचे। शिवराज सिंह ने कहा कि देश के एक राजनीतिक संत हमेशा के लिए विदा हो गए, उनके कार्य सदा हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहेंगे। जीवन राष्ट्र को समर्पित, ध्येयनिष्ठ जीवन ये उन्होंने जिया। राजनीति के अंदर भी जैसे कमल कीचड़ में रह के भी निर्लिप्त रहता है, ऐसे राजनीति में भी एक संत की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया। सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया ऐसे व्यक्ति ने। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के निधन पर मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया है। 26 नवंबर तक राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सरकारी स्तर पर कोई भी मनोरंजन वाला कार्यक्रम नहीं होगा। कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक सीएम पद पर रहे। वे जनसंघ के समय संगठन को मध्य प्रदेश में मजबूत करने के लिए काम करते रहे। 1955 में कैलाश जोशी पहली बार हाट पिपलिया नगर पालिका अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1962 से निरंतर देवास जिले के बागली से विधायक रहे। 1951 में वे भारतीय जनसंघ की स्थापना के सदस्य भी रहे। इमरजेंसी के दौरान करीब 1 महीने तक वे भूमिगत रहे। इस दौरान 28 जुलाई 1975 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 19 महीने तक नज़रबंद रखा गया। सीएम बनने के बाद 1978 में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वे भोपाल से सांसद भी रहे और मध्य प्रदेश के मुद्दों को संसद में उठाया। कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मृदुभाषी सरल सहज व्यक्तित्व के धनी कैलाश जी का निधन राजनीति क्षेत्र की एक अपूर्णीय क्षति है। परिवार के प्रति मेरा शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान व परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। संयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के निधन पर छत्तीसगढ़ में भी 1 दिन का राजकीय शोक रखा गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। बहुत ही सरल विनम्र और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी। मेरा सौभाग्य कि विधानसभा उनके साथ बैठने का अवसर मिला था। उसके जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है। छत्तीसगढ़
सरकार भी आज एक दिवसीय शोक की घोषणा किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सबका पूर्ण परिवार दुख सहने की क्षमता प्रदान करे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। झाबुआ के 150 से अधिक किसानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ट्वीट और डाक विभाग के जरिए पत्र भेजकर कहा है कि अगर पाकिस्तान को टमाटर चाहिए तो वो सबसे पहले पीओके कश्मीर वापस करे और भारत से माफी मांगे। ईरान से टमाटर मंगाने के बाद भी पाकिस्तान पर टमाटर संकट बरकरार है। पाकिस्तान में टमाटर 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में ट्विटर के जरिए भारतीय किसान यूनियन की झाबुआ जिला इकाई ने इमरान खान को कहा है कि बाघा बॉर्डर से आपके देश में टमाटर जाते थे, लेकिन आतंकवादियों और आपकी सेना ने हमारे देश के निर्दोष लोगों पर हमले किए, आतंकवाद फैलाया, 26/11 व पुलवामा जैसे हमले करवाए। इसके बाद हमारे देश और हमने आपको टमाटर नहीं देने का फैसला लिया। पाकिस्तान में जनता की टमाटर को लेकर खराब हालत के बाद हम टमाटर उत्पादक किसान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर पाकिस्तान भारत के दुश्मनों को हमारी सरकार को सौंप दे और अनाधिकृत रूप से कब्जा किए कश्मीर को शांतिपूर्वक भारत को सौंप दे तो भारतीय किसान यूनियन झाबुआ जिला इकाई अपने जिले के टमाटर उत्पादक किसानों को बैठाकर आपके देश में टमाटर भेजने पर विचार कर सकती है। किसानों ने आखिर में लिखा है कि उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेंगे, अपने देश के नागरिकों के हित में इस पर विचार करेंगे। झाबुआ के किसानों ने कई साल तक पाकिस्तान को टमाटर निर्यात किए हैं। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने कहा कि 18 सितंबर 2016 को हुए उरी आतंकवादी हमले के बाद से किसान नाराज थे और पाकिस्तान टमाटर भेजना बंद कर दिया था। इससे पहले करीब 1.5 दशक से पाकिस्तान टमाटर यहां से भेजे जाते थे। ग्राम बावड़ी पेटलावा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के 150 से अधिक किसानों ने इस पत्र के माध्यम से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी है और इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रीवा नगर निगम और बीजेपी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नव निर्मित परिषद भवन के गेट में लगे ताले को तोड़कर भवन का लोकार्पण कर दिया। निगम आयुक्त का कहना है कि भवन का कार्य पूरा नहीं हुआ है, लोकार्पण नहीं किया जा सकता। इस पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर कार्य पूरा नहीं था तो मंत्री से भवन लोकार्पण क्यों कराया जा रहा था। रीवा नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जंग छिड़ी रहती है। ताजा मामला निगम कार्यालय में बने नवनिर्मित परिषद भवन में लोकार्पण का है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्षद व महापौर के साथ मिलकर भवन के लोकार्पण की बात रखी। भवन के लोकार्पण को लेकर तमाम पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जहां निगम अमले के साथ बैठी पुलिस की टीम ने भाजपाइयों को कार्यालय परिसर के अंदर घुसने से ही मना कर दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता इसके विरोध में आ गए और परिसर के अंदर बने राम जानकी मंदिर पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। भाजपाइयों ने निगम आयुक्त द्वारा परिषद कार्यालय के बंद कराए गए गेट का ताला तोड़कर लोकार्पण भी कर डाला। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि मुझे लोकार्पण की जानकारी नहीं है, मुझे कल एक पत्र मिला था लोकार्पण के संबंध में जिस पर मैंने बताया था कि अभी परिषद का कार्य अधूरा है और भवन ठेकेदार के पास है, जिसका कार्य पूर्ण होने के बाद वह निगम को सौंपेगा। लोकार्पण की तो मेरे को कोई जानकारी इस रूप में नहीं है। कल शाम को 6:30 बजे एक पत्र जरूर हमारे अध्यक्ष का मिला था, तो उन्होंने कहा, तो हमने उनको अवगत कराया कि भाई अभी तो ये भवन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इसमें ना तो इलेक्ट्रिक का काम हुआ और ना फर्नीचर का काम हुआ, सिविल वर्क भी अभी अधूरा है, भवन तो अभी संविदाकार के पास है, अभी उसको पहले कंप्लीट करेगा फिर हैंडओवर करेगा, वो पूर्ण होगा इसके बाद लोकार्पण की बात हो सकती है। इस मामले में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नगर निगम के आयुक्त अगर सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। जब मानसिक रूप से असंतुलित अधिकारी कुर्सी में बैठ जाते हैं तो ऐसा ही इसी प्रकार की हरकत होती है जिनको जनता ठीक करती है। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले इसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के मंत्री को बुलाकर करने की तैयारी थी, जब अधूरा था तो लोकार्पण क्यों कर रहे थे, हम तो एक हफ्ते बाद कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजेंद्र शुक्ल को निगम द्वारा वसूली का नोटिस दिए जाने के बाद से राजेंद्र शुक्ल के समर्थक और निगम आमने सामने आ गए हैं। सरकार के मंत्री को बुला के करने की तैयारी जब यह अधूरा था तो क्यों की गई थी, और उस कार्ड में हम लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा था कि मंत्री आ रहे हैं, परिषद कार्यालय का उद्घाटन है, आपको आना है, तो हम लोग तो एक हफ्ते बात कर रहे हैं। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में
जब विकास के कामों के साथ भद्दा मजाक किया जाएगा तो फिर यही होगा। 100 से ज्यादा नक्सलवादियों ने किरंदुल स्थित एनएमडीसी के प्लांट को घेर कर हंगामा किया और आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद नक्सलियों ने यहां मौजूद लोगों को लाइन से खड़ा किया और उनके मोबाइल छीने और फिर एक एक कर 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फोर्स के दबाव के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए नक्सलवादियों ने किरंदुल में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। दोपहर के समय एनएमडीसी की PS3 स्क्रीनिंग इलाके में नक्सलियों ने 10 वाहनों को फूंक दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे नक्सली घटनास्थल पर मौजूद चालक मजदूरों के मोबाइल भी लूट कर ले गए। वारदात के काफी देर बाद फोर्स मौके पर पहुंची, तब तक नक्सली घटना को अंजाम देकर जंगल में भाग चुके थे। एनएमडीसी के नए प्रोजेक्ट SP3 प्लांट के लिए रास्ता निर्माण और पहाड़ व समतलीकरण किया जा रहा है। इसी कार्य पर लगे 6 टिपर, 2 डोजर और 1 JCB को आग लगा दी गई। वाहन चालक और अन्य लोगों के मुताबिक करीब 100 की संख्या में नक्सली पहुंचे थे। इनमें से आधे से पास हथियार थे। उन्होंने वहां काम करने से मना करते हुए लोगों को धमकाया कि दोबारा नजर आए तो मार दिए जाओगे। इस वारदात को मालंगीर एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ ही दरभा डिवीजन के लीडर साईनाथ और मिलिट्री दलम के 26 नंबर पलाटून कमांडर देवा ने अंजाम दिया है। इलाके में एनएमडीसी के SP3 स्क्रीनिंग प्लांट के लिए पहाड़ में चट्टान कटाई और समतलीकरण किया जा रहा है। यह काम दक्षिण भारत की दो कंपनियां सूर्योदय और रत्ना के माध्यम से चल रहा है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नरसिंहपुर में 6 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई। मासूम बच्ची की निर्मम हत्या से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है। नरसिंहपुर जिले की पवित्र नगरी कहे जाने वाले बरमान चौकी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपनी माँ और नानी के साथ सोई करीब 6 वर्षीय बालिका अचानक गायब हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय पुलिस चौकी में की, जिसके बाद पुलिस को सर्चिंग के दौरान एक खंडरनुमा मकान के पास बालिका का शव मिला। बालिका का शव मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह एवं ASP राजेश तिवारी ने तत्काल मौके का मुआयना किया। कल रात को एक रिपोर्ट हुई कि 6.5 साल की बच्ची यहाँ चावरपाठा टोरिया में मिल नहीं रही है, गुम हो गई है। घर वालों ने रिपोर्ट की है रात में और सुबह से इसमें टीम, पुलिस की जो अलग अलग टीम्स हैं वो इसमें ढूंढने में लग गई और आज दोपहर को करीब 2 बजे जो है बच्ची की जो लाश है वो मिली है यहीं तोड़िया में। संदेह प्रथम दृष्टिया ये जा रहा है कि उसका गला घोट के मृत्यु उसकी हुई है, हत्या की गई है और साथ में उसके साथ बलात्कार भी किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव की प्रथम जांच में बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। 6 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले में कई बिंदु पर जांच की जा रही है। जिस जगह बालिका का शव मिला है वहां कोई नहीं रहता है। मृतका के परिजनों से भी आरोपी को लेकर पूछताछ की जा रही है। हर जगह निवेदन करने के बाद खुद को ठगा सा महसूस कर रहे सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित उम्मीदवार ने पद स्थापना नहीं मिलने के कारण पहले मुंडन करवाया और फिर संविधान रक्षा पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा भोपाल तक आएगी। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों ने डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पर मुंडन कराया और फिर भोपाल के लिए पदयात्रा शुरू की। इस दौरान 250 से भी ज्यादा की संख्या में उम्मीदवार वहां मौजूद रहे।
3000 से अधिक उम्मीदवारों के इस प्रदर्शन में जुड़ने की संभावना है। पदयात्रा के दौरान ये सभी उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के क्षेत्र से होकर भी गुजरेंगे। ऐसे में पुलिस ने सभी को हिदायत दी है कि वे मंत्री के गांव में दाखिल ना हों। इस दौरान यह मैसेज वायरल हुआ था कि कुछ प्रदर्शनकारी मंत्री जीतू पटवारी के गांव पहुंचकर भीमुंडन करवाएंगे। इनके मसले को लेकर जीतू पटवारी और कांग्रेस सरकार इन्हें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। यह उम्मीदवार कई बार उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से पदस्थापना को लेकर आग्रह कर चुके हैं। जीतू पटवारी जी है, उन्होंने कई बार अपनी बातों पर ही स्थिर नहीं रहते हैं। कई बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कई बार उन्होंने खुद अपने आश्वासन को तोड़ दिया। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन अब खत्म नहीं होगा और यहाँ पे जितने लोगों ने मुंडन करी है, इससे दुगने लोग महिलाएं सहित तो वहाँ पे भोपाल में जाकर के फिर मुंडन करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में हम लोग चाहे पुलिस वाले लाठियां बरसा दे, चाहे हमें जेल में ठूस दे, अगर योग्यता की कदर मध्य प्रदेश शासन इस तरीके से करती है तो हम भी भीख मांग करके मध्य प्रदेश शासन को नीचे दिखाएंगे और ये बता देंगे उनको कि पीएचडी नेट सेट करने वाले लोग बाहर सड़कों पर भीख ना मांग रहे हैं और आप अयोग्य लोगों को, अतिथि विद्वानों को कॉलेज में बिठा करके फ्री का खिला रहे। इनका कहना है हर बार बस आश्वासन ही मिलता है, हमारे लिए अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। महू से शुरू हुई संविधान रक्षा पदयात्रा जब भोपाल पहुंचेगी तो इसमें और भी लोग जुड़ते चले जाएंगे। इनका कहना है कि 12 नवंबर को भी ये सभी मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले थे और अपनी समस्या बताई थी, इसके बाद भी इनको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। आबकारी विभाग के एक सिपाही का कच्ची शराब के जुर्माने के नाम पर अवैध वसूली किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स आबकारी विभाग के सिपाही को पैसे देते दिखाई दे रहा है। वीडियो ने एक बात तो साफ कर दी है कि अवैध शराब के धंधे में कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की मिली भगत रहती है। सिवनी जिले के आदिवासी इलाके घनसौर में आबकारी विभाग पर रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं। आबकारी विभाग के एक सिपाही द्वारा कच्ची शराब के जुर्माने के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स आबकारी विभाग के सिपाही को पैसे देते दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर दूसरा सिपाही अपनी परेशानी बयान करता दिख रहा है। वीडियो में न्यायालय ने बाबू का भी जिक्र किया है, जिसके मुताबिक बाबू डिमांड कर रहा है कि चालान पटाने के लिए पर हेड 100 रुपए मजिस्ट्रेट के बाबू को देना पड़ता है। इस पूरे मामले में जहां दोनों सिपाहियों ने कैमरे से अपनी नजर बचाई, वहीं दूसरी ओर आला अफसरान इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। काम देने के बहाने सतना की एक नाबालिग युवती को पति पत्नी ने बंधक बना लिया और उसकी देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाने लगे। पुलिस को सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने नाबालिग को छुड़वाया। पुलिस ने नाबालिग युवती की रिपोर्ट पर मकान मालिक और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में सतना से काम दिलाने के बहाने एक नाबालिग युवती को पति पत्नी ने घर में बंधक बनाकर रखा। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने मोहल्ले वालों की मदद से नाबालिग को छुड़ाया। 6 दिन पहले सतना से काम दिलाने के लिए राखी सेन और मुकेश सेन इस लड़की को छतरपुर लाए थे, लेकिन काम न दिलाकर उस पर देह व्यापार का दबाव बना रहे थे। जब नाबालिग युवती नहीं मानी तो पति पत्नी ने उसे घर पर बंधक बना लिया, लेकिन किसी बहाने से नाबालिग घर से भागी और मोहल्ले वालों को अपनी आपबीती बताई, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग से जब पूछताछ की तो उसने पूरी घटना बयान कर दी। पुलिस ने नाबालिग युवती की रिपोर्ट पर रामलाल चौरसिया और उसके किराएदार राखी सेन को देह व्यापार करवाने के दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। राखी का पति मुकेश सेन फरार बताया जा रहा है। एक नाबालिग बच्ची को सतना से मुकेश सेन और उसकी पत्नी बेला फुसला कर ले आए थे, काम का बहाना दे कि रोजगार दिला देंगे। यहाँ उससे वेश्यावृत्ति कराने दबाव डालने लगे। 4-5 दिन से कमरे बंद किए थे, इसमें उसके मकान मालिक की भी सहभागिता थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि आज लड़की निकल के भाग गई, तो उसकी रिपोर्ट पर मकान मालिक मुकेश सेन और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है, वेश्यावृत्ति कराने का दबाव डालने का आरोप लगा, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए, फरार है। छत्तीसगढ़ के रास्ते देश भर में गांजे की तस्करी हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2 जगह से 4 गांजा तस्करों को पकड़ा और उनसे बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया।
कांकेर पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देर रात पुलिस ने दो तस्करों को गांजे के साथ पकड़ लिया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे की इस खेप को उड़ीसा से मलकानगिरी से रायपुर की ओर ले जाकर बेचने की फिराक थी। मुखबिर से सूचना मिली कि कोंडा गांव की ओर से दो व्यक्ति स्विफ्ट कार में गांजा लेकर आ रहे थे, जिस पर कांकेर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी देशमुख को उनसे लगाई हुई जो टीम है उनके द्वारा जो ज्ञानी चौक के पास महाराष्ट्र उड़ीसा पासिंग का जो गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट कंपनी का, उसमें लगभग 72 किलो गांजा जो कि 3.60 लाख रुपए का बाजार मूल्य है, मानित कीमत है, उसको बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। प्रकरण में जो दो आरोपी हैं एंथोनी एंटिया और प्रशांत मंडल, जो कि दोनों उड़ीसा के मलकानगिरी जिला के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर महासमुंद की बाग बहार पुलिस ने भी 60 किलो के गांजे के साथ दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों में एक युवक और एक महिला है। युवक मध्य प्रदेश के दतिया और महिला दिल्ली की रहने वाली है। ये दोनों गांजा को दिल्ली और झांसी से ले जाकर बेचने की फिराक में थे। पुलिस को मुखबिर से इस संबंध में सूचना मिली कि एक सफेद रंग की कार में कुछ व्यक्ति गांजा लेकर उड़ीसा के खरियार रोड से बाग बहार होकर रायपुर की ओर निकल रहे हैं। इस पर बाग बहारा पुलिस ने घेराबंदी की और गांजा तस्करों को पकड़ा। मुंगावली में नगर की स्वच्छता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता को लेकर मुंगावली में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शासकीय व अर्धशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र सिंह ने नगर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी नगर वासियों से सहयोग करने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने नगर को स्वच्छ बनाने के लिए कठोर बनने व सड़क पर कचरा फेंकने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान नगर को स्वच्छ बनाने को लेकर नगर वासियों से भी विचार मांगे गए। कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी ने सभी को नगर को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम जन के साथ साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। हर जिले में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि स्वच्छता हमारा बनी रहे, और ये जो प्रतिस्पर्धा होती है जनवरी में सर्वेक्षण टीम भी आएगी, तो पूरे देश के लगभग 4,000 से ऊपर की जो सिटीज हैं उनमें ये प्रतियोगिता होती है। तो उस दिशा में हमारा ये था कि जितना भी हम स्वच्छ कर सकें, और अशोकनगर जिला और अशोकनगर जिले की निकाय हमारे कहीं ना कहीं वो अच्छी पोजीशन पे दिखे, उस क्रम में मैंने हर ब्लॉक हर निकाय में कोशिश की है कि हम लोग मुहिम जोड़े और प्रबुद्ध वर्ग को भी जोड़े। तो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है हमेशा उन्हीं से अच्छे सुझाव भी हमारे पास आ पाते हैं। ये हमारा मुंगावली के शहरवासियों का सौभाग्य है कि हमने केवल सुना था, जब स्मार्ट के बड़े बड़े शहर पहले स्मार्ट सिटी में लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुंगावली के नगरवासियों का हम सबका सौभाग्य है कि एक हमारा छोटा सा शहर है, एक तहसील लेवल का शहर है, जिसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और अगर इसका नाम स्मार्ट सिटी रखा हो ही गया है तो मैं चाहता हूं कि वास्तव में इस शहर को स्मार्ट ही हमको बनाना है। लेकिन इस शहर को स्मार्ट ना तो मैं बना सकता हूं और ना हमारी कलेक्टर महोदय बना सकती है, ना हमारी अध्यक्ष बना सकती है, ना हमारे सीएमओ बना सकते हैं। अगर हमको शहर को स्वच्छ बनाना है और स्मार्ट बनाना है तो उसमें आप सबका सहयोग सबका योगदान जरूर चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।